कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिरते ही अब सबकी निगाहें मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर टिक गई हैं। बीएसपी की बैसाखी पर टिकी सरकार को लेकर पिछले कुछ समय से चल रही अटकलें फिर से गर्मा गई हैं कि क्या गोवा कर्नाटक के बाद ऑपरेशन कमल के निशाने पर मध्य प्रदेश है। इन बयानों से अटकलों को और बल मिल रहा है। मध्य प्रदेश की लगभग यही स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांसफर उद्योग चल रहा है, जो नौनिहालों की, बच्चों की, मासूमों की हत्याएं हो रही, बलात्कार हो रहे हैं, किसानों की साथ छल कपट करके उनसे उनके वोट ले लिए गए, बेरोजगार नौजवानों के लिए 4,000 रुपया महीना वजीफे देने की और बेकारी भत्ता देने की बात हुई, एक भी काम इस राज्य में नहीं हो रहा है, लूट खसोट भ्रष्टाचार चारों तरफ हाहाकार मचा है चारों, और मुझे विश्वास है कि जल्दी से जल्दी मध्य प्रदेश की सरकार भी अपना पिंडदान करवाएगी, यहाँ समाप्त होगी। मध्य प्रदेश विधानसभा में इस वक्त सदस्यों की संख्या 239 है। कांग्रेस के 114 विधायक हैं, जो बहुमत के आंकड़े से एक कम है। कांग्रेस को बीएसपी के 2, समाजवादी पार्टी के 1 और 4 निर्दलियों का समर्थन हासिल है। बीजेपी के 108 विधायक हैं। लोकसभा चुनाव जीतने पर झाबुआ के बीजेपी विधायक गुमान सिंह डामोर के इस्तीफे से एक सीट खाली है। यानी कांग्रेस बहुत सहज स्थिति में नहीं है। कांग्रेस जहां बीजेपी पर सरकार गिराने की कोशिश का आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी ने इससे इनकार किया है। गोवा की घटना हो या कर्नाटका की घटना हो, और इससे पहले भी जब जब अवसर मिला उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज पूरा देश देख रहा है कि बल्क में खरीदारी कैसे होती है, बल्क में खरीदारी विधायकों की कैसे होती है। ये मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने सिखाया है देश को। पहले एक एक दो दो तीन तीन लोग कभी इधर उधर दल बदल करते थे, बल्क में खरीदी करने वाली अगर कोई संस्था बची है इस देश में विधायकों की, तो भारतीय जनता पार्टी। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, 105 सदस्य हमारे पास है, और आज के गणित को अगर आप देखें तो स्पष्ट बहुमत और स्थिर सरकार देने की क्षमता भारतीय जनता पार्टी में। यहाँ भी हम कोई सरकार नहीं गिराएंगे, लेकिन कांग्रेस ही कांग्रेस की सरकारें गिराते रहे हैं। जो अंतर विरोध है कांग्रेस के अंदर और बसपा और सपा का समर्थन, अब उसमें कुछ हो जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमने तो कर्नाटक में भी कुछ नहीं किया, गिर गई, अब यहाँ भी हम कुछ नहीं कर रहे। कर्नाटक में सरकार गिरने के बाद अब देश की सियासत में कांग्रेस का दायरा और सिकुड़ गया है। कांग्रेस के पास अब सिर्फ पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ही रह गया है। ऐसे में मध्य प्रदेश में कर्नाटक जैसा हादसा पार्टी को और कमजोर करेगा। यकीनन कांग्रेस के लिए ये राहत की बात नहीं है। रविश पाल सिंह, मध्य प्रदेश आज तक।